हिमाचल में इस बार टमाटर ने सेब को पछाड़ दिया है। सोलन सब्जी मंडी में आज होलसेल में टमाटर 60 से 80 रुपए किलो और अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्रेट बिका। यह सोलन मंडी का रिकॉर्ड रेट बताया जा रहा है। वहीं शिमला की भट्टा कुफर मंडी में टाइडमैन किस्म का सेब 40 से 75 रुपए के हिसाब से बिका। बीते 5 दिनों के दौरान टमाटर के रेट में 300 से 500 रुपए का इजाफा हो चुका है। टॉप क्वालिटी का टमाटर जनता तक पहुंचते पहुंचते 110 रुपए का हो गया है। मीडियम व लो क्वालिटी का टमाटर 80 से 100 रुपए के बीच बिक रहा है। इससे गरीब जनता की रसोई से टमाटर गायब हो रहा है। समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है, जिसको लेकर राजनीतिक दल आमने सामने हैं। UCC को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख साफ नहीं किया है। इस बीच हिमाचल PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने UCC का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि भाजपा चुनाव से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाती है और धर्म जाति के नाम पर राजनीति करती है। केंद्र में भाजपा के बहुमत वाली सरकार है, यदि यूसीसी लाना है तो किसने रोका है, वह भी इसका समर्थन करेंगे। लेकिन देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर भाजपा देश को बांटने का काम ना करे। हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग ने इंतकाल की दरों को संशोधित कर इसमें 25 से 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर आम जनता को महंगाई का झटका दे दिया है। राजस्व विभाग में वर्षों से चली आ रही इंतकाल की पुरानी दरों को संशोधित करने की मांग प्रदेश सरकार ने मान ली है। सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अभी तक विभिन्न श्रेणियों के इंतकाल के दाम महज 1 रुपए से लेकर 2 रुपए प्रति खाता थे, लेकिन अब सरकार की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के इंतकाल की न्यूनतम फीस 50 से लेकर 500 रुपए तक निर्धारित कर दी गई है। सैलानियों को अब बिलासपुर जिला में पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। जिला की सबसे ऊंची बंदला धार से मनोरम दृश्यों के बीच लोहणो मैदान तक पैराग्लाइडिंग का सफर अब हमेशा के लिए खोल दिया गया है, जिसकी अधिसूचना आज जारी की गई है। यह जानकारी उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने दी। उपायुक्त ने इस अधिसूचना को जारी करने के लिए प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना के जारी होने से बिलासपुर के लोगों को रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और जिला बिलासपुर में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। खुनिहार सिविल अस्पताल में पुरानी एक्सरे मशीन खराब होने की वजह से पिछले कई वर्षों से एक्सरे की सुविधा मरीजों को नहीं मिल रही थी, जिस कारण लोगों को एक्सरे करवाने के लिए सोलन शिमला या निजी क्लिनिकों में भटकना पड़ता था, जिसमें लोगों का पैसा व समय बर्बाद हो रहा था। कुछ समय पहले स्थानीय विधायक व CPS संजय अवस्थी को स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं व क्षेत्रवासियों ने इस समस्या को बताया, जिसके बाद संजय अवस्थी ने यहां नई मशीन लगवाने का आश्वासन दिया था और थोड़े समय के अंतराल में यहां नई एक्सरे मशीन की सुविधा लोगों को दे दी गई है, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ माँ चिंतपूर्णी के दरबार में आज 11:30 बजे के आसपास बॉलीवुड स्टार गोविंदा ने परिवार सहित मां के दरबार में हाजिरी भरी। इस मौके पर चिंतपूर्णी मंदिर के बारीदार सभा के प्रधान रविंद्र शिंदा ने विधिवत रूप से वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर पूजा अर्चना करवाई और मां के दरबार में हाजिरी लगवाई। हाजिरी लगवाने के पश्चात मंदिर परिसर में स्थित पावन वट वृक्ष को मौली का धागा बांधा और हवन कुंड में आहुतियां डालकर सुख समृद्धि की कामना की। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 53 दवाओं की कीमतों में संशोधन किया है। जिन दवाओं की कीमत में बदलाव किया है उनमें मधुमेह, अवसाद व गठिया की दवाएं व इंजेक्शन शामिल है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। NPPA ने प्राधिकरण की 114वीं बैठक में लिए फैसलों के आधार पर दवा आदेश 2013 के तहत ये खुदरा कीमतें तय की है। NPPA के उपनिदेशक महावीर सैनी के हवाले से जारी अधिसूचना में 53 अनुसूचित दवाओं की कीमतों में संशोधन किया है। हिमाचल में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार लेक टूरिज्म को बढ़ावा देने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश सरकार की झीलों एवं जलाशयों के आसपास लेक टूरिज्म विकसित करने की कार्य योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सौंदर्य से परिपूर्ण झीलों से पर्यटकों को आकर्षित करेगी। इसके तहत जिला कांगड़ा के पोंग बांध, कोल डैम जलाशय, तत्तापानी के गर्म पानी के चश्मे, जिला बिलासपुर में भाखड़ा जलाशय, कुल्लू मनाली के समीप लार्जी जलाशय और चंबा में चमेरा बांध जलाशयों में जल आधारित पर्यटन गतिविधियों जैसे हाउस बोट, क्रूज और याश इत्यादि के संचालन को बढ़ावा प्रदान किया जाएगा। प्रगति मैदान दिल्ली में आज 17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित महासम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह द्वारा की गई। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में सहकारिता की भूमिका को सभी के साथ साझा करते हुए बताया कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता समाज के उत्थान के लिए दिन रात कार्यरत है एवं कृषि में भी सहकारिता से लगभग 55 वर्षों से जुड़े इफको के कदमों को सराहते हुए सबके ध्यान को केंद्रित किया।
हिमाचल प्रदेश में जून के दौरान 6 साल बाद बादल फिर झमाझम बरसे हैं। इस वर्ष जून के दौरान सामान्य से 20% अधिक बारिश हुई। प्रदेश में 1 से 30 जून तक 121 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इससे पहले जून 2017 में 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। प्रदेश में इस वर्ष मॉनसून प्रवेश करने के बाद 24 से 30 जून तक सोलन जिले में सबसे अधिक और लाहौल स्पीति में सबसे कम बारिश दर्ज हुई है। नेशन स्पीक्स अब बोलेगा हिंदुस्तान।